आज आप सभी लोगों को हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का जो आंसर की है बीएससी बायो एंट्रेंस एग्जाम सन 2021 का मैं लाया हूँ। काफी स्टूडेंट ने कमेंट कर करके बोल रहे थे कि सर आंसर की एमजी की वीपी का लाइए आप, तो हमने तैयार किया हुआ है। क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने 50 क्वेश्चन का ही इस बार क्वेश्चन पेपर बनाया था, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स थे। तो आप सभी लोगों को हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी बायो एंट्रेंस एग्जाम का आंसर की लाए हैं। तो आप सभी लोगों चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, तथा आप लोगों के दोस्त मित्र साथी अगर बीएससी बायो का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं तो उनके यहाँ भी ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि उनकी जितनी भी डाउट्स हैं क्वेश्चन को लेकर के कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है गलत है क्या है वो डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में क्रमशः होता है। तो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में एमजी और एफई होता है, आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में कौन से अयस्क कार्बन के द्वारा धातु में अपचयित नहीं हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है और इसका ऑप्शन नंबर थ्री सही है, सी यू ओ है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री, दो पत्थर समान वेग से थीटा एवं 90-θ कोण पर फेंके जाते हैं, यदि दो पत्थरों में एच और एच वन पत्थरों द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाइयां हो तब आर एच एवं एच वन में क्या संबंध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, यदि एंजियोस्पर्म में 101 फीमेल गैमेट फाइट का उत्पादन करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो इसका सही उत्तर है 101। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, माइक्रोट्यूबुल्स इनमें से किसमें अनुपस्थित होता है, तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का कारण है, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, गार्ड कोशिकाओं का दबाव। तो यहाँ पर जो है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का कारण गार्ड कोशिकाओं का दबाव है। और क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी आवश्यकता सर्वोत्तम है, मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी अवस्था सर्वोत्तम है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही ऑप्शन है ए, उच्च O2 और निम्न CO2। और क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इनमें से कौन सी रासायनिक क्रिया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिडॉक्स प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर नाइन, गोल्गी तंत्र अनुपस्थित होता है, गोल्गी एप्रिएटेसस इज अब्सेंस इज, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का सही उत्तर है सी, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, विटामिन टू, पेलेग्रा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, विटामिन बी टू पेलेग्रा, ये जो है सही मेल नहीं खाता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेंथम और हुकर आधारित वर्गीकरण है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है, वंशावली जो है ए ऑप्शन सही है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मानव दंत सूत्र है यानी मानव के दांत का सूत्र क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है बी, I2C1P2M3, यानी मानव दंत का सही सूत्र I2C1P2M3 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न डीएनए अंशों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है जी, जीन स्लिंग्स जो है विभिन्न डीएनए अंशों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है, तो उसको हम जीन स्लिंग कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14,
तो क्वेश्चन नंबर 14 है, दो पिंड M A1 4M द्रव्यमान के समान रेखीय संवेग से गति कर रहा है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका है डी 1:2, यानी कि जो है दो पिंड M एवं 4M द्रव्यमान के समान रेखीय संवेग से गति कर रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो होगा 1:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोहर ने निम्न चार को आगे बढ़ाया था, यानी बोहर ने निम्न विचार को आगे बढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है सी, स्थिर कक्षाओं को, मतलब कि जो है बोहर ने विचार को, जो स्थिर कक्षाओं का विचार है उसे आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क को CA एवं MG दोनों का अयस्क माना जाता है? तो जो है इस 16 का सही उत्तर है डोलोमाइट जो है इसको CA और MG दोनों का अयस्क माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह तत्व जो निष्क्रिय तत्व प्रभाव सबसे कम व्यक्त करता है, जो इसमें ऑप्शन में है उसका विकल्प नंबर सी सही है, 17 का सी, सल्फर। सल्फर जो है निष्क्रिय तत्व प्रभाव जो है इन सभी चार ऑप्शन में से सबसे कम प्रदर्शित करता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक वृत्तीय क्वायल जिसकी त्रिज्या आर है में धारा प्रवाहित हो रही है, इस क्वायल के कक्ष पर उसके केंद्र से वह दूरी जिस पर चुंबकीय इंडक्शन केंद्र के चुंबकीय इंडक्शन का 1/8 गुना हो जाता है, तो 18वां का ये सही है R√3, यानी कि जो है इसका सही ऑप्शन ए R√3 है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए R√3 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रत्यावर्ती सर्किट जिसमें 40 ओम का प्रतिरोध और 30 ओम का इंडक्टिव यानी कि प्रेरकत्व प्रतिरोध है, तो सर्किट की इंपीडेंस मतलब जो बाधा होती है क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है 50 ओम है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, दाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि जो क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर राशि है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए अदिश राशि। नंबर 21 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से सिकुड़ जाती है तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, मतलब घटेगा कि बढ़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ए 2% बढ़ जाएगा, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है, यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है यदि 1% सिकुड़ जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है 2% बढ़ जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बोनियन आयन की स्थिरता निर्भर करती है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है कार्बोनियम आयन की स्थिरता निर्भर करती है, तो 22 का सही ऑप्शन है सी, कार्बोनियम आयन की स्थिरता जो है जुड़े हुए समूह के प्रेरणिक एवं अति संयुग्मन प्रभाव के कारण, इसका सही ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर, आइए अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन एक न्यूक्लियोफाइट नहीं होता है, जो है इसका सही ऑप्शन है 23 का ए BF3, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, तो न्यूक्लियोफाइल BF3 नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 40 को देखते हैं कि एसीटोन एवं मिथेनॉल के मिश्रण को किस प्रकार से पृथकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो 24 का सही उत्तर है सी, प्रभाजी आसवन के द्वारा यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटैलिक यौगिक नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है बी C2H5ONA, मतलब कि सोडियम एथॉक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक मेटैलिक यौगिक नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है सोडियम एथॉक्साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्त काल दोगुना कर दिया गया तब, तो यदि हम सरल आवर्त गति करते हुए कण के आवर्त काल को दोगुना कर देंगे तो उसके
आवर्ती आधी रह जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं, और यहाँ पर है कि यदि दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि दिया गया है कि कांच एक पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 2/3 और 4/3 है, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है बी, 27 का सही ऑप्शन है बी 9/8। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है बी। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो सी आर परिपथ का समय नियतांक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, वो नली सी आर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि 20 सेमी फोकस दूरी एवं 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाए, तो जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो फोकल दूरी में परिवर्तन होगा, तो इसका सही ऑप्शन है सी 58.27, यानी कि द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंस 20 cm एंड फ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 इज ऑप्शन नंबर 3 राइट 58.2 cm। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो इसमें है कि एक पारदर्शी कांच स्लैब जिसका अपवर्तनांक 1.62 है पर एक प्रकाश किरण गिरती है, यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हो तो आपतित कोण का मान होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है 10 inverse 1.62, यानी ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 10 inverse 1.62। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। पांच प्रतिरोधों को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है, बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए से बी तक धारा जा रही है, जिसमें 3 ओम 6 ओम 4 ओम 8 ओम एक ब्रिज किया हुआ है 7 ओम का, तो इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो 31 का सही ऑप्शन है बी 4.6 ओम, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर बी सही है 4.6 ओम। 32 का ऑटो मोबाइल से प्रदूषण का कारक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है बी CO जो है द मेजर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंटेड इज, तो इसका सही ऑप्शन है बी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर, यानी कि 33। पांच लड़के और चार लड़कियों के समूह में 3 लड़के और 3 लड़कियों को टीम में चयन के कुल तरीके हैं, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है 40 यानी कि 40, यानी कि 5 लड़के और 4 लड़कियों के समूह में 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम में चयन के कुल 40 तरीके हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। संख्या 3, 5, 11, 40, 70 एवं 21 में से भिन्न संख्या कौन सी है, तो 34 का है ऑप्शन नंबर सी सही 14, क्योंकि 14 जो है सम नंबर है, इसके अलावा सब विषम नंबर है। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आज सोमवार है तो 61 दिन पश्चात दिन होगा, यानी कि आज जो है सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसका सही ऑप्शन है 35 का बी यानी कि शनिवार होगा, यानी कि आज सोमवार है तो 65 दिन बाद शनिवार होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, यानी कि 33। एक व्यक्ति की आयु उसकी माँ की उम्र की 2/5 है, 5 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु आधी हो जाती है, तो उसकी माँ की वर्तमान में आयु क्या है, यानी कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माँ की उम्र की 2/5 है, 8 वर्ष पश्चात
उसकी आयु माँ की आधी हो जाती है, जो व्यक्ति है उसकी आयु उसके माँ की आधी हो जाती है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो 36 का सही ऑप्शन है सी, यानी कि माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। जब एक पिंड नियत चाल से वृत्ति पथ पर गति करता है तब, तो इसका सही ऑप्शन है ए, 37 का ए, यानी कि किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कि जब एक पिंड नियत चाल से वृत्ति पथ पर गति करता है तो कोई कार्य नहीं करता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। यदि किसी पिंड के संयोग यानी कि यदि किसी पिंड के संयोग में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 38 का ऑप्शन नंबर ये सही है, 44%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बर्नौली समीकरण बिंदुओं पर लगेगा, 39 का भी सही है, धारा रेखीय प्रवाह पर, यानी कि बर्नौली के समीकरण जो है धारा रेखीय प्रवाह पर लागू होता है। उसके बाद आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 40। एक काली बॉडी को 27 डिग्री सेल्सियस और 927 अंश सेल्सियस पर रखा जाता है, इस ताप में निकलने वाले विकिरण का अनुपात क्या होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है, डी, 1:256, यानी 256। आइए हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42। एलर्जी के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो 42 का ए सही है, आईजीई। आईजीई जो है एलर्जी के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 43 का क्या सही है, बी, 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। कवक की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक में एक है, तो जो है कवक के कोशिका भित्ति के प्रमुख घटकों में जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है, काइटिन, CHITIN, यानी कि काइटिन। क्वेश्चन नंबर 45। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के गठन के लिए महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है, गोल्गी उपकरण। और क्वेश्चन नंबर आइए हम 46 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोलिसिस से एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है, एसीटेल्डिमाइन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ये क्षार है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 है। और क्वेश्चन नंबर 48 को हम देखते हैं कि टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक है, तो 48 का भी सही है, क्लेरेमेफेनिकॉल जो है, क्लेरेमेफेनिकॉल जो है टाइफाइड के एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका क्वेश्चन नंबर 49। NaCl के संतृप्त घोल में HCl गैस के करंट को प्रवाहित करने पर NaCl की घुलनशीलता क्या होती है? तो जो है 49 का भी सही होता है, यानी कि कम हो जाती है। NaCl के संतृप्त घोल में HCl गैस के करंट को प्रवाहित करने पर NaCl की घुलनशीलता जो है कम हो जाती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अवशोषण है, मतलब अवशोषण क्या है? तो 50 नंबर का जो सही है सतही घटना है, अवशोषण जो है सतही घटना, यानी कि एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, यानी कि एडजॉर्प्शन जो है सरफेस फिनोमिना है। तो स्टूडेंट, ये रहा आप सभी लोगों के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के जो अभी हाल ही में 8 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, जिनमें से बीएससी बायो के लिए एडमिशन लिए गए हैं, जिनमें से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेन कैंपस में जो विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए इच्छुक थे तो उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था, उन्होंने एग्जाम को दिया था। चूंकि एग्जाम देने के बाद उत्सुकता होती है बच्चों के मन में कि कितने क्वेश्चन हमने सही करा, कितने क्वेश्चन हमने गलत करा, तो
काफी बच्चों ने कमेंट किया था, तो इसलिए हमने आंसर की बनाया हुआ है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए, कोई भी बेनिफिशियल हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यापीठ जैसे अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंसर की क्वेश्चन पेपर या फिर तैयारियां अपडेट, मुख्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।